नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक क्यूट सा प्यारा सा बेबी फ्रॉक सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। जैसे कि आप सभी को मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, वैसे आज भी आप सभी को मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। आज का थोड़ा स्टेप्स थोड़ा लेंथी है, इसके लिए मैंने दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड कर दिया है। तो आपको दोनों पार्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, तब आपको पता चल जाएगा कि आज मैं आपको जो बेबी फ्रॉक सिखाने जा रही हूँ वो किस तरह बनता है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बेबी फ्रॉक बनाने के लिए सिखाने के लिए मैं जा रही हूँ, जो कि देखने में इतना क्यूट नहीं है, लेकिन जब बच्चे इसे पहन लेते तो बहुत ही क्यूट दिखता है। अगर आपको सीखना है इसे किस तरह बनना है तो आपको आज मेरा दोनों वीडियो को देखना है। इससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करने का कोशिश कीजिए। और लाइक्स करना तो भूलना मत, जो ये सिंबल है नीचे में उसे आप सबसे पहले वीडियो देखने से पहले क्लिक कर दीजिए, या फिर देखने के बाद लास्ट में लाइक कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो को पसंद आया तो प्लीज आप सब कमेंट करना मत भूलना। जब आप लोग इतना प्यार से कमेंट भेजते हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि आज का फ्रॉक किस तरह बनते हैं। पेपर जो है डबल फोल्डिंग है, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर सबसे पहले कंधा 5 इंच, उसके बाद बगल आर्म होल 4.5 इंच यहाँ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद छाती 6.5 इंच, इसके बाद आप इसे यूज़ करेंगे। यहाँ ध्यान रहे, अब यहाँ ज्वाइन करेंगे। अभी लंबाई जितना आपको लंबाई चाहिए उतना लंबाई बने। यहाँ मैं 16 ले लेता हूँ। इसके बाद आखिरी एट एंड हाफ इंच, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको ज्वाइन करना है। इसके यहाँ पर आपको 1/2 इंचेस लेना है। फिर से इसे यूज़ करेंगे, ये गला के लिए है। अब ज्वाइन करेंगे 1/2 इंचेस। अब यहाँ में 2 इंचेस लेकर यहाँ मार्क बनाएंगे। यहाँ कटिंग करेंगे, दो भाग में इसे डिवाइड करना है। ये पहला है नीचे वाला भाग, इसे मिला लेंगे। ये ऊपर वाला फन यहाँ से यहाँ तक कट करना है। ये आपका बन गया है। यहाँ छिटा देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा हो जाता है खोलने से, ये नीचे वाले दो पीसेस है। ऊपर वाला के लिए 4 पीस कपड़ा काटने हैं आपको, इस तरह 1, 2, 3, 4 खोलने से इस तरह हो जाते हैं। 4 पीस कॉटन वाला कपड़ा से आप काटना। इसके बाद नीचे वाला, ये नीचे वाला के लिए है, इसमें भी 2 पीस आपको कट करना है। ये रहा इसका लंबाई जो है, ये 2 पीस का लेंथ है, 28 होना है लंबाई, 8 इंच, ब्रेथ जो है 9 इंच। इसके बाद ये है नेट वाले कपड़ा, जो कि जिसका लेंथ होना है 48 इंच, ब्रेथ होना है इसका 10 इंच। यह अभी छोटा सा रस्सी के लिए गला का रस्सी के लिए है, जिसका लेंथ जो है